तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मेरा नाम है दयाल और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पेंटर दयाल भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सचर स्ट्रैंगल के ऊपर। जो हमने कल उधर गए थे टेक्सचर निकालने के लिए, तो हमने कल टेक्सचर निकाला है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर निकाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ, और अपने भाई को सपोर्ट करो। तो चलिए, हम आपको दिखा देते हैं कैसा टेक्सचर निकाला है, कैसे नहीं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो जैसा कि दोस्तों, ये ग्रे कलर की आप दीवार देख सकते हो, ये दीवार लगभग 8x10 की है। इस पर हमारा टेक्सचर का डिजाइन आएगा स्ट्रैंगल। तो चलिए, हम इसको टेप मार लेते हैं अपना स्ट्रैंगल के हिसाब से, जो जैसा अपना स्ट्रैंगल टेक्सचर था वैसा हम टेप मार लेते हैं। दोस्तों, हम आपको इसलिए नहीं इसको नहीं दिखा रहे कि कैसा कैसा टेप मार रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता था। तो हम आपको सीधा ही दिखा देते हैं कैसा अपना टेप मार के पूरा हो गया। तो आप भी अपने स्ट्रैंगल के हिसाब से टेप मार सकते हो। तो जैसा हमारा स्ट्रैंगल था, हमने वैसा टेप अपना भी मार लेते हैं। चलो, देख सकते हो। हमारा दोस्तों देख सकते हो होने को आया। तो दोस्तों देख सकते हो, हमारा फाइनली स्ट्रैंगल का टेप हमने वो लोगों ने पूरा मार लिया अच्छे से। देख सकते हो हमारा ऐसा ही कुछ रहेगा। और दोस्तों, हमारा कुछ थोड़ा कलर है, आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। 4-5 कलर है। ये देखो, हमारा गोल्डन कलर है, हमारा न्यू गोल्ड, और ये हमारा डार्क ग्रे है, जिसका सेट नंबर आपको दिख जाएगा बाद में, मैं दिखा देता हूँ। और ये अपना पिंक कलर है, पिंक कलर है, और ये लाइट ग्रे है, ग्रे। और ये अपना व्हाइट है। दोस्तों, अपना 4-5 कलर ही था। और अपना ब्रश है, और ये अपना स्पंच रोलर है, पंच रोलर देख सकते हो। ये बड़ा वाला एक है और एक छोटा वाला है। तो हमने 2 पंच रोलर लिया था। आप पंच से मार सकते हो, तो कौन सा भी रोलर से। तो फर्स्ट नंबर पे हमने देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने डार्क ग्रे चालू किया, देख सकते हो हमने डार्क कलर मार दिया है। अभी दूसरे नंबर पे हम आपको दिखा देते हैं, व्हाइट कलर लिया था हमने, देख सकते हो हमने दूसरा व्हाइट मार रखा था, और दूसरा पे हमने व्हाइट मार दिया, मारना चालू कर दिया, देख सकते हो। और ये व्हाइट कलर हम लोगों ने अपना मार रहे हैं। आप कौन सा भी मार सकते हो, पहला व्हाइट लो या फिर पहला ग्रे लो, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। तो हमने व्हाइट ग्रे, व्हाइट लिया और ग्रे लिया। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमने गोल्डन लिया था, दोस्तों गोल्डन का सेट नहीं आता है। आप दुकान पे गोल्डन कलर बोलोगे तो एशियन पेंट की दुकान पे तो आप गोल्डन मिल जाएगा, उसका कोई सेट नहीं होता है, इसलिए हमने गोल्डन कलर का सेट नहीं कुछ दिया। तो हमने गोल्डन इसको मान लेते हैं। चलो, कलर अभी मार्क हो गया। और उसके बाद दोस्तों हम पिंक कलर लिए थे, जिसका सेट नंबर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो 8689 अपना पिंक कलर का सेट नंबर था। चलिए, इसको भी मार लेते हैं। तो दोस्तों कम्प्लीटली देख सकते हो, हमारा एक कोट मार के पूरा कलर हो गया। देख सकते हो हमारा एक कोट कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए, अभी हम दूसरा कोट भी अपना चालू कर देते हैं। दूसरा कोट हमने अभी चालू कर दिया, गोल्डन कलर का हमने दूसरा कोट लगाना चालू कर दिया। सबको, व्हाइट को, ग्रे को, पिंक को, सबको हम 2 कोट मारेंगे। तो देख सकते हो हमने गोल्डन मारना चालू कर दिया। और दोस्तों, इसके बाद हम अपना पिंक कलर का गोल्ड लेंगे, देख सकते हो हमने पिंक मारना चालू कर दिया। आप कौन सा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं गोल्डन के बाद पिंक ही लो, व्हाइट ले सकते हो, ग्रे ले सकते हो, जो मर्जी वो लो। जैसा कि दोस्तों देख रहे हो कि हमने ब्रश से मार के रोलर घुमाया था, तो आप कैसा भी मार सकते हो, रोलर से मार सकते हो, नहीं तो ब्रश से मार के पंच रोलर घुमा देंगे तो और अच्छा रहेगा। देख सकते हो हमने अपना पिंक मार लिया। तो दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं, अपना ये फिगर, ये देख सकते हो दोस्तों, हमने व्हाइट मारा था, जिससे हमारा लकड़ी का फिगर जैसा था, उससे हमारा फिगर का टेक्सचर था, निशान था। तो देख सकते हो हमने फिगर कैसे निकाल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो, अपना हमने एक कलम ब्रश लिया और डार्क ग्रे लिया था, और उस पर ऐसा हमने उन्हें कलम ब्रश से दूर दूर पे ऐसा मार के, और व्हाइट कलर लेके 2 इंच के ब्रश से एक दूसरे से मिला दिया था। तो देख सकते हो, हमने 2 इंच का ब्रश लिया, उसमें व्हाइट कलर लिया, और उसको दो कोट जब मारने के लिए गए तो उसको हम मिलाते चले गए। तो दोस्तों आपको भी मिला देना है, और मिलाने के बाद आप पंच रोलर से ऊपर ऊपर हल्का हल्का दौड़ा देंगे, तो आपका लकड़ी का फिगर अच्छे से बन जाएगा। तो देख सकते हो हमने व्हाइट कलर से उसको मिला देते हैं, और अभी हमने पंच रोलर से उसको आपस ऊपर से व्हाइट कलर को ऊपर ऊपर से डुला डुला देते हैं, देख सकते हो।
अभी सब होने के बाद दोस्तों हमारा अच्छा दिखेगा। तो हमारा ऐसा दो था, एक में ज़्यादा फिगर था तो हमने ज़्यादा डार्क ग्रे लगाया, एक उसमें कम था तो हमने कम ही लगाया था, इसमें ज़्यादा है तो देख सकते हो हम ज़्यादा ऐसा कर लेते हैं काला काला। अपना जब आपका जैसा फिगर हो आप उस हिसाब से लगा सकते हो, आपका फिगर खड़ा हो तो खड़ा लगा सकते हो, हम लोगों का फिगर आड़ा था इसीलिए हम लोगों ने आड़ा ही मारा, देख सकते हो। आप भी ऐसा कर सकते हो दोस्तों। ऐसा करने के बाद में फिर आप पंच रूलर से वाइट कलर लेके ऊपर से मार देंगे तो अच्छा हो जाता है, मतलब किधर दिखेगा किधर नहीं दिखेगा तो अपना लकड़े के सेम फिगर जैसा बच जाता है, देख सकते हो। हम लोग अभी कर रहे हैं इसको, इसमें ज़्यादा फिगर था इसीलिए हम इसको ज़्यादा लगा रहे हैं। आपका फिगर कैसा रहा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो देख सकते हो हमने इस पर कुछ भी नहीं बाकी का सेम पंच रोलर डुला दिया, देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हो हमारा सब एक दो कोट करके हो गया। अभी हम अपना जो टेप मारे थे वो टेप निकाल लेते हैं, तो देख सकते हो दोस्तों आप कुछ नहीं करने का है, एकदम आराम से टेप पकड़ने का और निकाल देने का है, देख सकते हो हमने टेप जो पहले से मारा था उसको टेप एक एक करके निकाल देने का है, देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों जब भी आप टेप निकालते हो तो टेप के साथ साथ में नीचे का कलर भी निकल जाता है, देख सकते हो कैसा हमारा फाइट का वाइट वाइट निकल गया है। तो आपको एक कलम ब्रश लेना है और आपका जो मतलब लाइट शेड हो कौन सा भी शेड हो शेड लेना है और उसमें आपका टचअप कर देने का है, देख सकते हो जैसा कि हम लोगों ने कर रहे हैं, देख सकते हो अपना एक पपड़ी निकल गया था टेप के साथ साथ में वाइट वाइट, तो हमने इसको कलम ब्रश से ठीक कर दिया था। आप कौन सा भी ब्रश ले सकते हो लेकिन अच्छा रहेगा कि कलम ब्रश ही लो, क्योंकि कलम ब्रश अपना हाथ में अच्छे से बैठता है और अच्छे से भी हो जाता है। तो चलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं, पूरा टेप निकाल लेते हैं और पूरा टचअप कर लेते हैं, देख सकते हो स्क्रीन पे ये टेप निकाल रहे हैं और मैं कलम ब्रश से पीछे पीछे इसको टचअप कर रहा हूँ, देख सकते हो। तो आप भी पूरा टेप निकाल लें उसके बाद में अपना कलम ब्रश से टचअप कर देंगे तो बाजू बाजू का वाइट वाइट नहीं दिखेगा, जिससे कि अपना डिज़ाइन अच्छा खूबसूरत दिखने लगेगा, तो देख सकते हो हम लोग फटाफट इसको कर लेंगे जल्दी जल्दी से। देख सकते हो दोस्तों हमारा खूबसूरत बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा सब होने के बाद, देख सकते हो अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखने लगा, देख सकते हो अभी हमारा दोस्तों सब निकालने को हो गया। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा टेक्सचर अभी कितना खूबसूरत दिख रहा है, पूरा हमारा इस ट्रायंगल का जो डिज़ाइन था हमने बना दिया, अपना दीवार पे निकल गया अच्छे से। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। दोस्तों तो मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो।